हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो भाई, आईएसएल चालू होने वाला है, सिर्फ एक दिन से भी कम का टाइम बचा है और ये सीजन बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज दिस इज द 10th सीजन ऑफ आईएसएल। एंड हमने सोचा कि क्यों ना भाई, ये बार जो भी 12 क्लब्स पार्टिसिपेट करेंगे ये वाली सीजन में, तो उन्होंने जो भी जर्सीज निकाली है, देखते कि उनकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है भाई और क्लब वाले ने कितनी अच्छी जर्सीज बनाई है। और ये वाले वीडियो में मैं रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10 और मैं मेरे व्यूज बोलूंगा कि कैसी है जर्सी, और एट द एंड मैं बोलूंगा कि भाई टॉप 5 जर्सीज मेरे हिसाब से मेरे लिए जो रैंक करेंगे टॉप 5 में, और मैं वो जर्सी को होपफुली ले पाऊंगा। एंड आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि अगर आपको ये जर्सीज लेने हैं आईएसएल के तो आप कौन से ले सकते हो। तो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिग इनटू दिस वीडियो। तो हम लोग पहली जर्सी जिसको रेट करेंगे वो है हमारी बेंगलुरु एफसी। एंड यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा देगा, तो पहले होम जर्सी के ऊपर देखते हैं। होम जर्सी इन्होंने एक्चुअली जो रेट्रो किट है इनकी, जो पहली सीजन की जो पहली बार की जो किट है ना, पहले की वो लाने की कोशिश की है एंड पुरानी यादें अच्छी की है। एंड अगर आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से अच्छा है रेड एंड ब्लू का, इट्स गुड। बट वही की जो राउंड कॉलर है, तो राउंड कॉलर थोड़ा मुझे पसंद नहीं है, बट भाई जर्सी तो काफी अच्छी लग रही है। एंड आई विल रेट दिस जर्सी 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये जो होम जर्सी है बेंगलुरु एफसी को, उसको मैं रेट करूंगा 7.5। बात करते हैं अवे जर्सी, एक्चुअली अवे जर्सी इज लुकिंग गुड। या तो बोल सकते कि नहीं यार, मतलब अवे जर्सी इतनी अच्छी नहीं लग रही, ऑब्वियसली ये जो इंस्टेंट रिएक्शन है। तो बात करेंगे कि मुझे बेंगलुरु एफसी की होम और अवे में से होम ज्यादा काफी अच्छी लगी बिकॉज वो लाइंस अच्छे नहीं लगते, ठीक है, अवे जर्सी में। तो अवे जर्सी को मैं रेट करूंगा भाई 6 out of 10, ठीक है। तो ये मेरी रेटिंग है बेंगलुरु एफसी के लिए, होम में 7.5 एंड जो अवे जर्सी है उसमें 6.5 रेटिंग दूंगा मैं। बात करेंगे अभी 6.5 या 7 जैसे कि मैंने बोला। अब बात करेंगे चेन्नई एफसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चेन्नई एफसी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने होम अवे एंड थर्ड किट अनाउंस किया है। एंड अगर आप देखोगे ब्लू किट काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ से डिजाइन भी काफी अच्छा है। एंड इनका जो स्पॉन्सर है एको, तो वो भी काफी थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है। बस एक जो कंप्लेंट है ये जर्सी में कि भाई इधर बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, ऊपर सब है, ऊपर इधर सब डिजाइन काफी अच्छा पूरे शर्ट में जर्सी में, लेकिन यहाँ पर भाई इधर कुछ नहीं है। तो होपफुली स्पॉन्सर आ जाएगा तो अच्छी बात है, या तो कोई दूसरा कुछ आ जाएगा, वरना भाई यहाँ पर इनको मैं ब्लू और जो ये है ब्लू और व्हाइट जर्सी है इनकी, जो होम और अवे जर्सी है उसको मैं रेट करूंगा 8 out of 10। एंड थर्ड जर्सी देखो, अभी जिसको येलो पसंद है डेफिनेटली उसको काफी अच्छा रहेगा, बट येलो को मैं रेट करूंगा 7 out of 10, ठीक है। तो चेन्नई के लिए ये है, ये थी मेरी रेटिंग। अब बात करते हैं भाई तीसरा जर्सी के बारे में, तीसरे क्लब के बारे में, जो कि है एफसी गोवा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने भी होम अवे एंड थर्ड किट अनाउंस की है। एंड 656 वो जो जर्सी है और वो जो क्लब उन्होंने बनाई है इनकी जर्सी। बात करेंगे होम जर्सी, एक्चुअली होम जर्सी इज ऑल्सो लुकिंग गुड, बट जिसको ऑरेंज कलर पसंद है तो वो ऑरेंज कलर की तरफ जा सकता है। बट यार ऑरेंज और ये जो होम जर्सी है इसको भी मैं रेट करूंगा समवेयर अराउंड 7.5 out of 10। बट बात आती है इनकी अवे जर्सी। जी हाँ दोस्तों, इनकी अवे जर्सी मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड भाई यस, बीच में इनका जो परी मैच स्पॉन्सर है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज ये जो स्पॉन्सर की वजह से ना वो पूरा लुक बिगड़ जाता है जर्सी का। बट भाई जर्सी को अगर देखोगे इट्स लुकिंग डोप। एंड ये जो व्हाइट वाली जर्सी इसको मैं रेट दूंगा 9 out of 10। जी हाँ दोस्तों, ये व्हाइट वाली जर्सी को दूंगा। एंड उसके बाद इन्होंने एक और बैंगर डाला है भाई, यहाँ पर ब्लैक जर्सी, दैट इज द एएफसी कप होम गेम, दूसरा जो जर्सी है इनकी जो ब्लैक जर्सी है, ठीक है, इनकी जो ब्लैक जर्सी है वो भी काफी अच्छी है। एंड ब्लैक काफी अच्छी लग रही है भाई, तो ब्लैक को मैं दूंगा भाई 9.5 out of 10 बिकॉज ये जो ब्लैक वाली है, थोड़ा ब्लैक तो इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग। तो भाई यहाँ पर एफसी गोवा ने काफी अच्छा काम किया ये तीनों जर्सी को बनाने के लिए। तो अभी तक मुझे एफसी गोवा की ज्यादा अच्छा जर्सी लगी है। बात करेंगे हैदराबाद एफसी के बारे में, एंड इनका जो डाउनफॉल अभी स्टार्ट होगा मेरे को ऐसा लगता है। तो उन्होंने भी जर्सी भी कुछ चेंजेस नहीं किए, लास्ट सीजन की जर्सी और ये सीजन की जर्सी में कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस ऊपर कर दिया भाई। तो क्रिएटिविटीनेस का तो भाई जीरो लेवल है इनका मेरे को लगता है। एंड इनको मैं रेट दूंगा हैदराबाद वाले, सॉरी यार, 5 out of 10। जी हाँ दोस्तों, मैं 5 out of 10 ही दूंगा, इतनी अच्छी जर्सी नहीं है मेरे हिसाब से, सॉरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड दूंगा। बात करते KBFC द केरला ब्लास्टर्स। जी हाँ दोस्तों, केरला ब्लास्टर्स ने भी होम अवे एंड थर्ड किट अनाउंस कर दी है। एंड इनकी येलो के बारे में बात करेंगे तो येलो जर्सी काफी अच्छी है। बस एक ही डाउट है, मतलब एक ही थोड़ा कंप्लेंट है कि इन्होंने ये जो बाजू बाजू स्ट्रिप्स है ना वहां पर थोड़ा प्रिंटिंग किया, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट कॉलर के वहां पर प्रिंट है एंड बाइजूस वगैरह है। तो जर्सी जो ये है इसको भी मैं दूंगा 9 out of 10। जी दोस्तों, केरला ब्लास्टर्स की जर्सी को 9 out of 10 दूंगा। इनकी जो अवे किट है जो कि थोड़ी है ना अतरंगी है बट काफी अच्छी भाई, पर्पल पिंक, इसको मैं दूंगा 8 out of 10। एंड भाई इनकी जो थर्ड किट है जो कि नेचर से रिलेटेड है, तो थर्ड किट भी काफी अच्छी है बट इतना मुझे नहीं लगा, बढ़िया नेचर के हिसाब से आई विल गिव यू 7.5।
जी यार दोस्तों, केरला ब्लास्टर्स ने भी काफी अच्छा काम किया है अपनी जर्सीज के ऊपर एंड क्रिएटिविटी का काफी अच्छा इस्तेमाल किया है। बात करेंगे द चैंपियंस दैट इज मोहन बगान सुपर जायंट्स। जी यार दोस्तों, हम सबको पता है कि एटीके निकल चुका है एंड नाउ इट्स अ प्योर पैशन, द ओजी फैंस वेलकम। एंड यहाँ पर जर्सी के अंदर बात करेंगे, ये जर्सी पूरी जो ओजी मोहन बगान फैंस है उनको तो काफी अच्छी लगेगी, बट भाई मेरे को भी काफी अच्छी लगी। स्टार्टिंग में मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट जब प्लेयर्स डाल रहे थे तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। तो भाई इसको भी मैं दूंगा 9.5, बस वही कि बीच में पैरी मैच नहीं है, सॉरी पैरी मैच है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा लुक बदल जाता है। बट आई विल गिव दिस रेट दिस जर्सी दैट इज 9.5 out of 10। बात करते हैं हमारे एएफसी चैंपियंस लीग के इकलौते क्लब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुंबई सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुंबई सिटी की जर्सी अभी देखो जो जब भी प्लेयर्स पहनते हैं वो थोड़ा लाइट लगता है, बट भाई ये जर्सी काफी अच्छी है। एंड ये जर्सी की अगर बात करें ना, ये जर्सी आप है ना एक नॉर्मल ब्लैक जींस के ऊपर भी पहन सकते हो, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर क्लासिक स्टैंडर्ड जर्सी भाई। ये थोड़ी लाइट है, थोड़ा कुछ ज्यादा डिजाइन नहीं किया, बट मैं एक और एक चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी, भाई कुछ खिचड़ी नहीं किया, प्लेन रखा है, सिंपल रखा है एंड इट्स लुक है बस लाइट ब्लू स्काई ब्लू काफी अच्छा लगता है। अगर आप जींस के ऊपर पहनते हो ब्लैक जींस के ऊपर तो इट लुक्स गुड भाई। तो मैं ये जर्सी को रेट करूंगा भाई 9 या 9.5 out of 10, ठीक है 9 या 9.5 out of 10 जर्सी को रेट करूंगा। इन्होंने सिर्फ होम किट ही डाली है। बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बारे में, एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने होम अवे एंड थर्ड किट अनाउंस कर दी गई है। और यहाँ पर मेरे को यार देखो, इनकी जो होम किट है वो मुझे काफी अच्छी नहीं लगी भाई, बिकॉज रेड कलर में कुछ भी कॉम्बिनेशन डाल दिया है। मेरे हिसाब से आई गिव 5 out of 10 होम जर्सी को। व्हाइट जर्सी भी इनकी काफी अच्छी है, आई गिव 6.5, लेकिन मैं थर्ड किट को थोड़ा मैं ज्यादा अच्छा करूंगा भाई। थर्ड किट को मैं दे सकता हूँ 7.5 या 7 out of 10। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भी मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट किया नहीं है, या तो कुछ क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया नहीं है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस भाई लोग। बात करते हैं यहाँ पर ओडिशा एफसी। जी हाँ दोस्तों, इनकी इन्होंने भी होम अवे एंड थर्ड किट अनाउंस कर दी गई है, और भाई इनकी होम किट जो खतरनाक लग रही है ना भाई, आई मीन दिस इज क्रेजी। आई मीन ये होम किट आप बात करो मुंबई के, मुंबई से कंपेयर करेंगे मोहन बगान, इट इज ऑल इक्वल भाई। तो यहाँ पर देखकर देखोगे ओडिशा एफसी की जर्सी होम किट बहुत सेक्सी लग रही है भाई, एंड मैं इसको दूंगा 9 9.5, सेम लाइक मुंबई हो गया मोहन बगान हो गया वैसा। इनकी जो अवे किट है भाई, ये मुझे पीएसजी की जैसी वाइब्स दे रही भाई, इन्होंने जो एएफसी कप में खेला था। एंड यहाँ पर एक वो जो रेड है, ठीक है अगर आप रेड डाल दिया ना अभी, रेड इन्होंने डाला है तो वो एक थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला फील आता है, लेकिन अगर ये रेड के बदले अगर आप पर्पल डालते हो, ठीक है अगर आप पर्पल डालते हो तो भाई बहुत मजा आता था भाई। लेकिन ठीक है, जर्सी काफी अच्छी भाई, आई गिव 8 out of 10 भाई। जर्सी इज लुकिंग गुड, एकदम क्लीन लग रहा है, पीएसजी वाइब्स दे रहा है थोड़ा। तो आपका अगर आप लोग पीएसजी सपोर्टर हो, डेफिनेटली कैन चेक दिस आउट। एंड भाई इनकी जो थर्ड किट है वो भाई फुल्ली ई फुटबॉल की जैसी है भाई, ई फुटबॉल जर्सी इन्होंने छापा है, थोड़ा वैसी लग रहा है। आई मीन येलो पर्पल थोड़ा कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, तो इसको मैं दूंगा 5 out of 10, आई रियली डिडंट लाइक। अब देखते हैं कि प्लेयर्स जब पहनेंगे तभी कैसे लगेगी। तो ये तो ओडिशा एफसी। बात करेंगे डेब्यूटेंट क्लब दैट इज जो राउंडग्लास पंजाब भाई, तो राउंडग्लास पंजाब की जो जर्सी अगर आप देखोगे ऑरेंज कलर की जर्सी है भाई, तो इनकी तो थोड़ा स्पाइडरमैन वाला फील आ रहा है, बिकॉज इन्होंने स्पाइडरमैन का डिजाइन करके यूज दिया। एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर आप लोग ऑरेंज के फेवरेट हो भाई, अगर आपका कलर ऑरेंज अच्छा है तो मतलब फेवरेट है, तो डेफिनेटली आप एक जर्सी ले सकते हो। मैं दूंगा भाई डेब्यूटेंट को आई विल गिव यू 7 out of 10, या 7 out of 10 ये इसको मैं दूंगा। बात करेंगे ओडिशा, सॉरी जो लास्ट क्लब है दैट इज एससी ईस्ट बंगाल। इन्होंने देखो यार, अभी मेरे को एक्चुअली जो येलो है एंड रेड जर्सी है ना, मतलब येलो और रेड का जो कॉम्बिनेशन है मुझे अच्छा नहीं लगता, एंड यहाँ पर थोड़े एससी ईस्ट बंगाल वाले मेरे को गाली दे सकते हैं, बट यार ये जो जर्सी है मुझे काफी अच्छी नहीं लगी यार, मेरे को थोड़ा अलग वियर्ड लगता है भाई ये जर्सी। तो दैट्स व्हाई इनकी जो होम जर्सी है उसको मैं रेट करूंगा 6.5 यार, मतलब मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि मैं इसको लूं, तो दैट्स व्हाई आई एम रियली सॉरी। बट बात करेंगे इनके जो अवे जर्सी है, इनकी जो अवे जर्सी है भाई ये काफी अच्छी लग रही है। अगर आप बात करोगे होम जर्सी काफी अच्छी लग रही है, व्हाइट के ऊपर थोड़ा रेड और ना आप बोल सकते येलो का थोड़ा टच दिया है, तो इनकी जो अवे जर्सी इसको मैं दूंगा 8 out of 10। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये जो रेटिंग वाला वीडियो है मैंने हर एक क्लब को कर दिया, एंड ऑब्वियसली एक जो बचता है अगर आप देखोगे तो भाई 12वां क्लब बचता है जमशेदपुर एफसी, बोले तो कुछ करते ही नहीं है भाई, बोले तो है ही नल्ले, उनके पास क्रिएटिविटी का सी भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई भाई मेरे हिसाब से ये है। ओके सो अभी टाइम आता कि मैं मेरी टॉप 5 जर्सी कौन सी है, एंड मैं कौन से टॉप 5 मतलब ये टॉप 5 जर्सी मैं लेने का सोच सकता हूँ, होपफुली अगर ले पाया तो भाई बात करते हैं पाकिस्तान पे। मेरे लिए आती है केरला ब्लास्टर्स की होम जर्सी। जी हाँ दोस्तों, मैं रेट करूंगा केरला ब्लास्टर्स की होम जर्सी को 5 स्थान पे, एंड अच्छी है भाई आप ले सकते हो। एंड चौथे स्थान पे भाई, चौथे स्थान पे यहाँ पर मतलब केरला ब्लास्टर्स की होम जर्सी आती है,
चौथे स्थान पे ओडिशा एफसी की होम जर्सी आती है। जी हाँ दोस्तों, पर्पल एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी सही लग रहा है भाई, तो इसलिए फोर्थ स्थान पे वो आती है। तीसरे स्थान पे यहाँ पर मैं डालूंगा भाई ये मोहन बगान सुपर जायंट्स को। जी हाँ दोस्तों, ये जो मोहन बगान सुपर जायंट्स की जर्सी है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा है ना थोड़ा ज्यादा ही ना डाल दिया क्या उसको डिजाइन वगैरह, सो दैट्स व्हाई मैं पुट करूंगा थर्ड पे। बट ये ओजी मोहन बगान फैंस है उनके लिए भाई काफी अच्छी जर्सी है भाई, बिकॉज बात करेंगे एटी के हट चुके हैं। सेकंड पे यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट पे भाई बहुत कंफ्यूजन हुआ था, या मुंबई को लोगे या तो आप इसको एफसी गोवा को लोगे। यार एक्चुअली मैं जा रहा हूँ मुंबई को थोड़ा सेकंड रखूंगा, बिकॉज एफसी गोवा वाले ने भाई बहुत एफर्ट लिया है, सो दैट्स व्हाई सेकंड पे मैं मुंबई को रखूंगा। एंड सेकंड पे मुंबई को रखने का ये मसला था, मतलब ये रीजन था कि भाई जैसे कि मैंने बोला इट इज लुक, इट इज अ क्लासिक स्टैंडर्ड जर्सी भाई, इट इज अ प्रॉपर लुक, मतलब ऐसा कुछ एकदम अलग वाइब्स नहीं देगा आपको, एकदम कूल वाइब्स देगा। जैसे कि मैंने बोला जींस पे भी आप पहन सकते हो, तो दैट्स व्हाई मैंने सेकंड स्थान पे मुंबई की जर्सी को रखा है। एंड फर्स्ट स्थान पे मैंने रखा है यहाँ पर एफसी गोवा की दो दो जर्सी। जी हाँ दोस्तों, अवे किट एंड थर्ड किट जो कि व्हाइट एंड ब्लैक है, दोनों ही सेक्सीएस्ट क्लिप है भाई। तो भाई ये थी मेरी टॉप 5 किट, एंड होपफुली भाई आपको एक आइडिया आ चुका रहेगा कि यार आप कौन से जर्सी ले सकते हो अगर आपको लेना है। एंड जो मैंने टॉप 5 जर्सी बताई है, होपफुली मैं ले पाऊँ जर्सी, या तो और कौन सी जर्सी आएगी तो उसको भी मैं लेने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कि क्या होता है। बट यस भाई, इसी के साथ ये जो जर्सी वाला रेटिंग वाला वीडियो वो खत्म होता है। आई रिव्यू आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ नया ट्राई करने का सोचा था। आपके क्या थॉट्स हैं ये सब जर्सीज के ऊपर, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन भाई। आपके क्या टॉप 5 जर्सीज है भाई, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करते रहेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।